गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट। आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इज सर्टेन मतलब सर्टेन टू हैपन मतलब होगा ही, सर्टेन टू हैपन मतलब होगा ही, इम्पॉसिबल यानी हो ही नहीं सकता, और है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर जरूरी नहीं, हो सकता है पर होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो इससे हमें चेक करना है और उसके बाद बताना है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट क्या है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप आज कल से बड़े होंगे, कल आप जो थे उससे आज आपकी एज बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ही, तो इट इज सर्टेन टू हैपन, ये होगा ही। इसके बाद नेक्स्ट है, अ टॉस्ड कॉइन विल बी लैंड हेड्स अप, एक कॉइन है सिक्का, सिक्का जानते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। इसमें क्या बोला है, जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे विल लैंड हेड्स अप, उस पे हेड्स ही आए, आ सकता है लेकिन ये जरूरी तो नहीं, तो इसमें क्या आएगा, इट इज इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कोई भी डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, अ डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8, जब भी हम कोई डाइस को उछालेंगे तो उस पे 8 आए, ये जरूरी है। पहली बार तो जब डाइस से 1 से 6 तक नंबर होते हैं तो 8 आ ही नहीं सकता, अगर कोई नंबर आएगा तो कौन सा आएगा, 1 से 6 के बीच में, 8 हमारा नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन क्या हो गई, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारा, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है ग्रीन हमें मिल सकती है, ग्रीन सिग्नल मिल सकता है आगे जाके, और ना मिले ये जरूरी भी नहीं, क्या आएगा, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, आगे वाले सिग्नल पे लाइन ग्रीन मिल भी सकती है और मिले ये जरूरी भी नहीं, आंसर आएगा इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सिक्के को हमने उछाला, अब उसके हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर उसके टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हमने एक सिक्के को उछाला, जैसे ही उछाला तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो गई, क्या, एक तो उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, एक सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है, हेड और टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब क्वेश्चन है, हमने उस सिक्के को एक बार उछाला तो उसमें हेड आने की क्या प्रॉबिलिटी है, ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे आता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल कितना है सिक्के में, दो है हेड और टेल, तो टोटल होगा हमारे 2। क्वेश्चन है हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार सिक्का उछालेंगे या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, या फिर पूछा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें भी ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा हेड के लिए और टेल के लिए, टोटल आउटकम कितने रहेंगे, हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम होगा हमारे 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेल आना चाहिए, टेल आने की तो संभावना क्या है, एक बार जैसे हमने सिक्का उछाला उसमें टेल आने की एक ही बार संभावना है, तो हमारे
वन। इसके बाद कोई डाइस है, डाइस में कितने नंबर है? सिक्स नंबर, 1 2 3 4 5 6। कोई भी डाइस होती है उसमें सिक्स नंबर होते हैं। अब किसी भी डाइस को हमने एक बार उछाला, उसमें वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वन आ जाए सिर्फ उस डाइस के नंबर पे? तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। वन सिर्फ एक ही बार आ सकता है, एक बार भी ये वन आएगा वन। इसके बाद टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम सिक्स है, 1 2 3 4 5 6। टोटल सिक्स नंबर है, सिक्स में से हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? वन की, और टोटल हमारे सिक्स है, तो आंसर हो गया हमारा 1/6। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सिक्स मार्बल इन अ बॉक्स। एक किसी भी बॉक्स के अंदर सिक्स मार्बल्स है विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम, जिनके अंदर क्या है 1 से 6 तक की नंबरिंग है। इसके बाद क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2? क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस मार्बल के ऊपर 2 नंबर लिखा हो? फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 6 मार्बल है, हमें कोई भी एक मार्बल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या संभावना हो सकती है कि उसके ऊपर 2 ही लिखा हो? हम एक बार निकालेंगे मार्बल, उसमें एक ही नंबर लिखा आएगा, या तो नंबर 2 हो सकता है, इसकी क्या संभावना है? टोटल कितने मार्बल्स हैं वो आ जाएंगे नीचे। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल कितने हमारे मार्बल्स हैं? 6। 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? ओनली 1। 2 एक ही नंबर है, सभी में अपने अपने नंबर से, एक बार में ही 2 आ सकता है, क्योंकि हमारे 1। तो आंसर क्या है हमारा? 1/6। सेम ऐसे ही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5? 5 नंबर आए, क्या पॉसिबिलिटी, इसकी क्या संभावना हो सकती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल में हमें कितना चाहिए संभावना? 5 की चाहिए, तो नंबर आ गया हमारा 1। 5 एक बार ही आ सकता है, एक ही मार्बल पे आएगा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 6। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट द गेम। एक सिक्का उछाला गया डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले गेम स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहले हमारी टीम स्टार्ट करे? कोई भी सिक्का उछालते हो, उसके 2 आउटकम आते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सिक्के में 2 होते हैं, हेड और टेल। फॉर एग्जाम्पल हमने हेड चूज किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, तो हेड और टेल टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। पॉसिबिलिटी क्या है? हेड आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही हो सकती है, सिक्का उछाला, या तो हेड आ सकता है या टेल। हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई हमारी? 1। तो फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट? क्या प्रोबेबिलिटी हमारी? 1/2। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ्स का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।